बॉलर्स के साथ वैसे ये ज्यादा इश्यूज रहते हैं, शोएब को हमने देखा कोई ना कोई इशू रहता था, फिर और भी हमारे कुछ ऐसे फास्ट बॉलर्स रहे रिसेंटली, भी शाहीन के साथ देखे ना कितना बड़ा इशू हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है वो रिकवर, अल्हम्दुलिल्लाह, एज की वजह से शायद ही इज वेरी यंग, वेरी यंग, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी एक यंग भी है, प्लस उसकी इतनी हाइप बनी हुई है, तो उसने मेहनत भी अपने हिसाब से उस हिसाब से की है कि यार नहीं, मैं वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा हूँ तो मुझे अपना नाम दोबारा बनाना है। आपको कैसा लगता है अभी, मैं ये वाले इनिंग की बात नहीं कर रहा जो हमने अफगानिस्तान के साथ खेली है, उससे वैसे जो एक हमारी टीम है जिसमें शाहीन है, हारिस हैं, फिर उसके बाद नसीम शाह आ गए, वसीम जूनियर आ गए, तो फास्ट बॉलर्स तो हमेशा से पाकिस्तान में सीमर्स जो हैं वो बड़े हाईलाइट रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और हमारी अक्सर ये बात भी होती है क्रिकेट के हवाले से कि बहुत सारे मैचेस अगर आप देखते हैं तो उसमें अगर आप हाईलाइट करें तो बैट्समैन जरा कम आते हैं, सीमर्स जरा ज्यादा आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। सो उसका क्या रीजन है इसका? बेसिकली अब जो हमारे पास स्पेशली फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं ना, एक बड़ा पहले टाइम आया था जब शोएब भाई वगैरह सब खेलते जो 140 प्लस बॉलिंग करते थे, 150 वाले, उसके बाद बीच में गैप आया जी, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर आ जाओ, और फिर मोहम्मद आसिफ, फिर मोहम्मद आसिफ मैजिशियन, और वो तो खैर मैं तो कहता हूँ मेरे लिए आज बहुत बहुत आइडियल बॉलर है, क्योंकि उनकी पेस और मेरी पेस तकरीबन सेम है, क्योंकि मैं वसीम भाई को फॉलो कर सकता हूँ स्विंग के मामले में, लेकिन अगर सीम बॉलिंग पे आ जाए तो आसिफ भाई, क्योंकि बकार भाई और शोएब भाई टोटली डिफरेंट टाइप के बॉलर थे, वो एक्सप्रेस बॉलर थे, जब रिवर्स हो रहा है या नहीं भी हो रहा तो वो अपने पेस से आउट करते थे, लेकिन वसीम भाई की क्लास ये थी कि वो नए बॉल से भी आउट करते थे, स्विंग करते थे, आसिफ भाई मैजिशियन मतलब सीम करते थे बॉल को, तो आई थिंक मैंने उन दोनों को रोल मॉडल बनाया और बहुत हद तक कोशिश की उस तरह की बॉलिंग करने की, लेकिन हर इंसान को अलग डिफरेंट टैलेंट दिया, बिल्कुल, तो वो चीजें अचीव करना उस लेवल तक थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसका थोड़ा भी आ जाए तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल की जो हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो फास्ट बॉलिंग है, मैं ये कहता हूँ कि सबसे मोस्ट डिजर्विंग फास्ट बॉलिंग खेल रही है, क्योंकि पेस स्किल वाइज और यंग ब्लड है टोटल, तो आई थिंक इनके अंदर जो एग्रेशन है, जो उनका पैशन है, वो नजर आता है ग्राउंड में। और नए बॉल से आप देख लो, शाहीन शाह डोमिनेट करता है, नसीम शाह डोमिनेट करता है, फिर बीच में मिडिल पार्ट में आपके पास जब दो बॉलर ऐसे हो जो 150 पे बॉलिंग कर रहे हैं हारिस रऊफ, और एक 145 पे बॉल कर रहा है वसीम जूनियर, तो आई थिंक फिर बड़ा मुश्किल होता है ऐसी बॉलिंग के खिलाफ स्कोर करना। अभी वो जो नए बॉलर आए स्पेशली अभी पीएसएल में जो आपने देखा एहसानुल्लाह जो आए, बेहतरीन बॉलर, मैं जब पीएसएल 6 में पिक हुआ था ना मुल्तान सुल्तान में, तो वो एज ए इमर्जिंग प्लेयर पीएसएल 6 में पिक हुए थे, अच्छा, मुल्तान से ही, लेकिन उस वक्त वो इतने मेच्योर नहीं थे, लेकिन उसके बाद पीएसएल के बाद वो वापस डोमेस्टिक में आए, उन्होंने तीनों फॉर्मेट का सीजन खेला, ठीक है। और फैसल भाई एक यंगस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरा सीजन खेलना, क्योंकि जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको अपनी डिसिप्लिन लाइन का लेंथ का आइडिया होता है, आपको मार के गेन करना आता है, और जब आप मार के गेन करते हैं ना तो वो आपको इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट में बड़ा काम आता है, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल लाके छोड़ नहीं सकते अगर आपके पास स्विंग नहीं है, और अगर आपके पास स्विंग नहीं है तो फिर आपको लाजमी बॉल मार के 150-155 तो एहसान कर रहे हैं बॉलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह वो बॉल बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने पीएसएल में, और अभी अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी उसने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, थोड़ी हार्ड लग रही है हमारी, जमान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जमान भी बहुत बहुत टैलेंटेड बॉलर है, और वो पिछले 2-3 साल से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देखें लाहौर को जितवाने में जमान का बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। वो ओवर अगर जमान ने जो बचाया है, बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या खूबसूरत, और ऐसी ब्रेवरी चाहिए इस एज में कि आप आखिरी ओवर कर रहे हैं और सिर्फ 12 या 14 रन रहेगा, उस पर आप स्लो रन कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ा एक दिल चाहिए, अच्छा, वो करने एक के लिए। ही हाथ से उठाता भी है और वहीं से वो नीचे भी बिठाता है, कमाल, और उस पर बहुत क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, बिल्कुल, आकिब भाई को, शाहीन को, सीनियर प्लेयर्स को, कि जिस तरह से वो अपने यंगस्टर्स को बैक करते हैं और उनका जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरे साल वो फॉलो करते हैं, आई थिंक लाहौर कलंदर इस मामले में बहुत आगे, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, और सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। नए बैट्समैन में ऑब्वियसली अगर हम बाबर की बात करते हैं, रिजवान की बात करते हैं, फखर की बात करते हैं, ये सीनियर्स हो चुके हैं, अब नए बच्चों में किस में नज़र आ रहा है कि यार ये आने वाले वक्त में टीम में खड़े होंगे और ये आगे नाम लेके चलेंगे? आई थिंक अभी अगर आप मैं बिल्कुल रिसेंट टाइम की बात करूँ ना, तो साई अय्यूब, वेरी टैलेंटेड प्लेयर, वेरी मेच्योर प्लेयर, क्योंकि उसकी रीजन वही है जो मैं आपको कह रहा था अभी फैसल भाई, कि कोई भी प्लेयर यंगस्टर अगर आ रहा है ना, वो सेटअप से अगर आ रहा है कि डोमेस्टिक पूरा खेलता हुआ आ रहा है, अंडर 19 सिस्टम से आ रहा है, तो वो फिर मेच्योरिटी के लेवल पे जल्दी आ जाता है, ठीक है। और जिस तरह से उसने पीएसएल में परफॉर्म किया और जिस तरीके से उसने इंपैक्ट डाला अभी अफगानिस्तान सीरीज में,
एक मैच में वो जीरो पे आउट हो गया, लेकिन जो उसने एक पहले मैच में भी 15-16 रन किए, बड़े इंपैक्टफुल उसने शॉट्स खेले। फिर उसके बाद 49 जिस मैच में वो उसने किया, विकेट मुश्किल था, 49 रन किया। आई थिंक वो एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान को आगे जाके लंबा सर्व करेगा और एक बड़ा नाम बनेगा। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश कप। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।